Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. और ये डे टू का व्लॉग है जो हम लोग कथा सुनने गए थे. ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है. अगले दिन हम लोग जब इधर से एंटर कर रहे थे तो ये यहाँ से महाराज जी एंटर होते हैं. और आप देखिए कितनी सिक्योरिटी थी. और आज भीड़ भी बहुत ज्यादा थी कि जहाँ नजर जा रही थी वहां तक लोग बैठे. आज हम लोगों को फ्रंट साइड से सीट नहीं मिली थी. बहुत ज्यादा भीड़ थी आज. और हम लोग इधर बैठे थे. ये भी बिल्कुल पास में था बट यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा था क्योंकि कैमरामैन वगैरह थे बीच में. और फिर बाद में ये साइड हो गए थे. और पहले महाराज जी आके अपना व्यासपीठ जो है उनकी पूजा करते हैं, फिर विराजमान होते हैं. और ये जो जजमान है गोस्वामी फैमिली, उन फिर वो लोग पूजा कर रहे थे महाराज जी की. मेरे सिर पर रख दो, मेरे सिर पर रख दो. हम लोग घर पहुंचे. घर पहुंचे तो देखा दीदी ने ऑलरेडी लंच हम लोगों के लिए प्रिपेयर कर रखा था. और सुपर टेस्टी डिलीशियस लंच बना रखा था दीदी ने हम लोगों के लिए. और खा पी के हम लोग हमरा छोड़े जा रहा था कि हम घूर करना आ जाए. मैं एक जा रही हूँ, पूरी फैमिली दो गाड़ी. और ये आधे लोग यहाँ खड़े, आधे आ रहे हैं जो मुझे पहुँचाने के लिए जा रहे हैं. घर जा रहे हैं. किसके पास जा रहे हैं? छोटी मम्मी कहाँ है? क्या पार्टी तो करते हैं छोटी मम्मी को और मेरे बच्चा. हम लोग स्टेशन जाने से पहले पहुंचे दीदी का घर देखने के लिए. दीदी ने अभी नया घर बनाया है. अभी इन लोगों का गृह प्रवेश नहीं हुआ तो अभी शिफ्ट नहीं हुए. तो हम लोग बोले कि चलो दीदी हम लोग देख लेते हैं घर आपका. तो वहां से हम लोग पहले गए दीदी का घर देखने के लिए. और यही घर है उनका. और बहुत ही स्पेशियस और बहुत सुंदर घर बनाया था. मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा. दीदी के घर के पास में ये आम का बहुत ही अच्छा बगीचा था. और छत पे इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही थी उसकी वजह से. तो हम लोग काफी देर तक छत पे रुके, पूरा घर विजिट किया. बहुत अच्छे से दिखाया दीदी ने घर वगैरह. और बहुत ही अच्छा बनाया है. फिर मैं इनको परेशान कर रही थी. और वहां से फिर हम लोग निकले तो भैया लोग गाड़ी निकाल रहे थे. और वहां पे हम लोग खड़े थे तो देखा इतना बड़ा लौकी, तो मैं शॉक्ड हो रही थी. फिर वहां से हम लोग निकले और मुझे सब लोग चाह रहे थे स्टेशन छोड़ने के लिए. हम लोग चुपचाप सब लोग खड़े थे. और बिट्टू ने ना चाचू को देखते ही एकदम पहचान गई. मास्क वास्क में कवर थे फिर भी वो देखते ही पहचान के और भाग के उनकी गोदी में चली गई. और चलो चलो चाची के साथ जाएगी. नहीं बोलना मुझे दाना. और यहाँ बिट्टू को बहुत ही भारी मन से उसको छोड़ के जाना पड़ा. इतना दिल दुख रहा था मेरा तो सच में. तो इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं. मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टाटा बाय बाय. टेक केयर.